हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड कुछ देवनाथ। इफ़ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्किन केयर रूटीन। मैंने इससे पहले आपके साथ में स्किन केयर रूटीन भी शेयर किया है गाइस। आई होप कि वीडियो मेरी आपको पसंद आ रही है एंड आप मेरे को और भी सपोर्ट करेंगे। तो आप मेरे को और कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ये देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक के देखना होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। काफ़ी ज़्यादा इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो मैं यहाँ सभी चीज़ के लिए दो ऑप्शन दूंगी आपको। तो सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं डबल क्लिनजिंग मेथड को यूज़। तो मैं सबसे पहले अपने मेकअप को रिमूव करूँगी। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है क्लिनजिंग का। तो मैं यहाँ पर अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ वेला बूस्टे का यहाँ पर मेकअप रिमूवर। आप चाहे तो कोई भी मसलन वाटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं गाइस। और सेकंड ऑप्शन में मेरे पास यहाँ पर है कोकोनट ऑयल। मर्स में काफ़ी ज़्यादा स्किन ऑयली हो जाती है, तो जिनकी सुपर ड्राई स्किन है गाइस वो ज़रूर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बट जिनकी ऑयली स्किन है वो बिल्कुल भी कोकोनट ऑयल को यूज़ ना करें, वो कोई भी मसलन वाटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एंड जो हमारे क्लिनजिंग मिल्क वगैरह भी होते हैं वो आप समर्स में अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समर्स में हमारे लिए मैसेलर वाटर काफ़ी ज़्यादा सही होता है मेकअप रिमूव करने के लिए। तो मैं इस मैसेलर वाटर से ही अपना मेकअप रिमूव करने वाली हूँ गाइस। इसके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है गाइस। या तो फिर आप मार्केट से कोई भी अपना फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑप्शन में है मेरे पास। एंड इसके अलावा मैं नाइट में यूज़ करने वाली हूँ ये DIY फेस वॉश। इसमें मैंने ऐड किया है बेसन और कॉफ़ी, और कोई भी इंग्रेडिएंट आपको ऐड नहीं करना है गाइस। आप इसमें हल्का सा चाहो तो रोज वाटर ऐड कर सकते हो। ये हो जाएगा। इसमें से कॉफ़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है गाइस। मन तो कर रहा है खाने का बट अभी मैं इसको खा नहीं सकती हूँ। अभी मैं फिलहाल अपना इससे नाइट के स्किन का मैं इससे फिलहाल मैं अपना फेस वॉश करने वाली हूँ। एंड कॉफ़ी की वजह से ग्लो ऐड हुआ है। एंड जो बेसन रहता है वो हमारे फेस से डर्ट एंड जितनी भी टैनिंग रहती है उसे रिमूव करने का काम करती है। इस वजह से मैं समर्स में ये वाला DIY पूरा यूज़ करने वाली। फेस वॉश तो अब हमने कर लिया है, अब बारी आती है हमारे जो ओपन पोर्स है उसे क्लोज करने के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं टोनर। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर आप अपने पसंद का कोई भी टोनर ले सकते हैं जो कि मैं मॉर्निंग में मोस्टली यूज़ करती हूँ। नाइट में मैं अक्सर रोज वाटर ही यूज़ करती हूँ गाइस। बट जब तक कि हमारे फेस पे टोनर ऑब्जर्व हो रहा है तब तक कि मैं लिप बाम यूज़ कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर मेरे पास लिप बाम के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर पर्सनली नाइट में वादी हर्बल का ये मिंट फ्लेवर वाला लिप बाम यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ SPF वाला लिप बाम। और ये जो मिंट फ्लेवर वाला जो लिप बाम है इसे यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कूलिंग से सेंसेशन आती है, इसलिए मुझे इसे समर्स में यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लिप बम यूज़ करते करते हमारा टोनर भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। तो हम
लास्ट जो हमारा स्टेप होने वाला है वो मॉइस्चराइजर का होने वाला है गाइस। तो मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है गाइस, आप चाहे तो कोई भी अपनी नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अभी कोई भी नाइट क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने यूज़ किया था लोटस का नाइट क्रीम, उसके ऊपर मैंने सेपरेट रिव्यू वीडियो शेयर किया है। आप चाहे तो मैं आई बटन पे मैं लिख दे दूँगी, आप उसमें जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। बट यहाँ पर मेरे पास जो दो ऑप्शन है वो होने वाला है एक एलोवेरा जेल का, जो कि इजीली हर किसी के घर पे अवेलेबल होता है। तो आप चाहे तो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है। बट इस समर्स मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है टमेटो टेन जेल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा शायद ये है क्योंकि मैंने इसे अभी अभी ट्राई करना स्टार्ट किया है गाइस, हर डे ही है इसे यूज़ करते हुए। अगर आप इसका रिव्यू जानना चाहते हैं गाइस तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर से इसका जो रिव्यू है वो पर्सनली शेयर करूँगी गाइस। That's for all guys. I hope कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थी, काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली थी, कोई भी इसे ईजिली फॉलो कर सकता है। तो मेरे हिसाब से कि कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हो सके तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। एंड बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। बाई।